हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल माफिया में। फ्रेंड्स, मेरा एक स्टूडेंट था जिसका नाम है राहुल द्विवेदी। उसने मेरे लास्ट रिसेंट वीडियो पे कमेंट करके पूछा, सर आप रोड कंस्ट्रक्शन पर भी वीडियो बनाइए और लोगों को बताइए कि रोड कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसमें क्या क्या टॉपिक होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं आप सभी के टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोग जो भी कमेंट में लिखते हो ना, तो उस टॉपिक को मैं आपके नाम के साथ एक जगह नोट कर लेता हूं और धीरे धीरे मैं आप सभी के टॉपिक को कवर करूंगा। फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल में न्यू है वो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे क्या है आपको हमारे जितने भी आने वाले वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द और सबसे पहले मिले। इंट्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कन्वीनियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जो हमारा ह्यूमन बींग है, ये जो हम आम आदमी है, उसके लिए क्या है कन्वीनियंस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, और जो हमारा मटेरियल होता है या सामान जिसे हम बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। देयर आर फोर मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। फ्रेंड्स, ये हमारे सबसे मेन फोर कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके थ्रू आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। पहला है हमारा रोड, दूसरा है हमारा रेलवे, तीसरा है हमारा वाटर पानी के थ्रू, चौथा है हमारा एयरवेज, जिसे हम फ्लाइट के थ्रू यहां से वहां जा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स, जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है वो सबसे कॉमन, यानी जो हम नॉर्मली यूज करते हैं ना फ्रेंड्स, रोज की रोज, उस तरीके का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रोड इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्स वे, ह्यूमन पाथवेज एक्सेट्रा वर यूज इवन फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। फ्रेंड्स, जो हमारा रोड है उसका जो ट्रैक है या ह्यूमन पाथवे है, इस तरह में हम उसका यूज कर रहे हैं, और ये हम कब से यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी पुरानी शताब्दियों के टाइम से, जब यानी हम लोग जब पैदा भी नहीं होते ना फ्रेंड्स, तब से इसका यूज हो रहा है अंग्रेजों के जमाने से। ठीक है, रोड इज अ पाथ ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। फ्रेंड्स, जो रोड है वो बेसिकली जो हमारा ट्रांसपोर्ट के लिए, व्हीकल के लिए, लाइक एज अ बस हो गया अपना, या फिर आप समझ लो जो हमारा मोटरसाइकिल हो गया, ट्रक हो गया, इस चीज के लिए नॉर्मली हम स्पेशली इसे यूज करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड अ स्ट्रक्चर कंसिडर्ड टू फैसिलेट द मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्रेंड्स, ये एक इस प्रकार का भी स्ट्रक्चर है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और या कोई मटेरियल जैसे हमारे खाने पीने का मटेरियल हो गया, दूसरी नेसेसरी या जरूरत का सामान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो क्या है, रोड इसमें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, और ये सबसे सस्ता होता है जो अदर ट्रांसपोर्टेशन है ना, जैसे फ्लाइट्स हो गया है, उसके बाद हमारा सी हो गया वाटर के थ्रू या और दूसरे ट्रांसपोर्ट, उनसे सबसे सस्ता चीपेस्ट जो है हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये ईजी होता है। फ्रेंड्स, जो भी आप स्लाइड पे देख रहे हो, ये हमारा टू लेन हाईवे क्रॉस सेक्शन है विद डिचेस के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जो हमारा साइड्स में डिच होता है, उसके बाद हमारा शोल्डर होता है, और जो हमारा सेंटर पे होता है फ्रेंड्स, वो हमारा ट्रेवल वे होता है। इस पे हमारा क्या है, व्हीकल का मूवमेंट होता है, और इस पे हम इजिली और कन्वीनियंटली मूव करते हैं। ये जो हमारा डायग्राम है या क्रॉस सेक्शन है, ये किसका है, टू लेन हाईवे का, जिसमें हमारी दो गाड़ियां इजिली जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल पेमेंट स्ट्रक्चर, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, सब ग्रेड। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा नॉर्मल रोड का लेयर बाय लेयर आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, वो दिखा रहा है, और जो हमारा टॉप लेयर है जिसपे हमारा व्हील रोटेट करता है, वो टॉप लेयर है जिसे हम सरफेस कोर्स बोलते हैं। उसके नीचे क्या हमारा आता है, बेस कोर्स। देन उसके नीचे क्या आता है हमारा, सब बेस कोर्स, वो ऑप्शन होता है जिसपे हम कई जगह WBM करते हैं या दूसरा कोई करते हैं, एग्रीगेट फिल करते हैं, वो डिफरेंट। और सबसे नीचे क्या आता है हमारा, सब ग्रेड, जो हमारा वहां का एग्जिस्टिंग सॉइल होता है उसे हम सब ग्रेड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिजिड पेमेंट स्ट्रक्चर, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, सब ग्रेड कोर्स। जैसा कि आप डायग्राम पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हमारा लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट होता है, ट्रेवल्स ज्वाइंट होता है,
और सबसे नीचे आप जैसे स्टार्टिंग में देख रहे हो हमारा एग्जिस्टिंग सॉइल होगा, देन उसके नीचे ऊपर हमारा टॉप पे फिर से सब बेस कोर्स होगा जो हमारा ऑप्शनल होगा, फिर बेस कोर्स होगा वो भी ऑप्शनल होगा, और जो हमारा सरफेस कोर्स होगा वो भी ऑप्शनल होगा। फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि आप कहां पे किस प्रकार का रोड बना रहे हैं, तो ये चीजें वहां पे हम मटेरियल बाय मटेरियल डिफरेंट करते हैं और वेरी करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां का जो हमारा सबसे बॉटम सबग्रेड है वो कैसा है, वहां की सॉइल कैसी है, तब हम बाकी चीजों वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे ये लेयर बाय लेयर डिस्ट्रीब्यूट करके इसे फैलाते हैं या लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोडवे, रेलवे, एयरवे, सीवे। फ्रेंड्स जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे मोड जो है वो चार प्रकार के हैं ट्रांसपोर्टेशन के, रोड, रेलवे, एयरवे और सीवे, जिनके थ्रू हम कॉमनली ट्रांसपोर्टेशन या एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए यूज करते हैं और अपने आप को भी हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए यूज करते हैं। रोडवे एक्ट एज अ फीडर टू ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्रेंड्स जो हमारा रोडवे है वो सभी अदर ट्रांसपोर्टेशन को एक प्रकार से फीडर है, यानी समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पर ही सब निर्भर है, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट और कन्वीनियंट वे है ट्रांसपोर्टेशन का। ऑल अदर वेज आर कनेक्टेड बाय रोडवेज, सारे जितने भी, चाहे आपको एयरपोर्ट जाना हो या आपको सी पे जाना हो या आपको रेलवे भी जाना हो, तो आप रेलवे स्टेशन ऐसे तो नहीं जा सकोगे, आपको रेलवे स्टेशन जाने के लिए रोड की जरूरत पड़ेगी ना फ्रेंड्स, तो ये सभी एक दूसरे को कनेक्ट करता है। फास्टेस्ट मोड एयरवेज, फ्रेंड्स मगर जो हमारा सबसे फास्टेस्ट मोड होता है ना ट्रांसपोर्टेशन का वो होता है एयरवेज। जैसे कि आप सभी को पता है आप लोग क्या करते हो फ्लाइट से, जो नॉर्मली 2000-3000 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है आप क्या करते हो दो घंटे में यहां से वहां वहां से यहां, तो जो हमारा एयरवेज होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है, मगर सबसे कन्वीनियंट हमारा रोड ही होता है और सबसे चीपेस्ट भी। फ्रेंड एडवांटेज, रोड फैसिलिटी कम्युनिकेट ऑन लैंड। फ्रेंड्स जो हमारा रोड का फैसिलिटी है वो किस पे कम्युनिकेशन मेनली उसका होगा, लैंड होगा, जब हमारा लैंड होगा तभी तो हम रोड बना सकते हैं ना। देन एसेंशियल फॉर इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी एंड जनरल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। फ्रेंड्स ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारा कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, जब हमारे यहाँ रोड्स होंगी अच्छी तभी तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे और जो हमारा एसेंशियल नीड्स है वो घर या गाँव या दूसरे विलेजेस तक पहुँचा पाएंगे। इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एंड आउटसाइड द विलेज एंड द टाउन्स। फ्रेंड्स जैसे आप मान लीजिए हमारा जो विलेज है, विलेज में हमें नॉर्मली क्या मिल जाता है, जैसे वहां पे गेहूं या जो भी कृषि का काम होता है वहां अच्छे से हो जाता है, तो उस सामान को अगर हमें शहरों पे लाना है और यहाँ पे मार्केट में सेल करना है वो कब पॉसिबल होगा कि हमारे पास रोड होगी तभी तो वो इजिली कन्वीनियंट होगा, और शहर का कुछ जो सामान हमें गांव पे लेके जाना है तो मेनली हम कैसे ले जा सकते हैं, जब रोड होगी, क्योंकि विलेज को हम उसी से कनेक्ट करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं कि हम हर विलेज पे जा जाके एयरपोर्ट बना दें या रेलवे स्टेशन बना दें, ये बहुत कम पॉसिबल, मगर ये पॉसिबिलिटी है कि हम वहां पर रोड बना सकते हैं जिससे हर चीज बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। एज अ फीडर लाइन हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स मैंने जैसा आपको बताया कि रोड हमारा सबसे फीडर लाइन है डेवलपमेंट का, क्योंकि अगर हमने रोड बना दी कहीं भी तो वहां कोई भी बंदा बहुत इजीली जा सकता है और वहां के लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। बेटर लॉ एंड ऑर्डर कैन बी मेंटेन। फ्रेंड वहां पर अगर रोड होगी तो वहां बेटर लॉ होगा और वहां जो ऑर्डर होंगे वे इजीली मेंटेन होंगे, क्योंकि जैसे पुलिस जा सकेगी या दूसरी चीज है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जा सकेगी, तो रोड होगा तभी हम ये चीज वहां पे ले जा सकेंगे, क्योंकि हमारा व्हीकल तभी तो जा पाएगा, बिना व्हीकल के हम इतना हैवी हैवी इलेक्ट्रिक के पोल या कुछ लाइट हम कैसे वहां पे लेके जा सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एन एरिया कैन बी इजिली टैप्ड एंड इम्प्रूव्ड। फ्रेंड्स वहां का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मान लीजिए जैसे कहीं पे कोल माइंस है, तो वहां अगर हमें कोल माइंस को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालना है और दूसरी जगह लेके जाना है तो हमें क्या करना है, रोड चाहिए ना, अगर रोड होगी तभी तो हम वहां का कोल वहां से निकाल सकेंगे और दूसरे एरिया पर ले जा सकेंगे। इससे क्या होगा, वहां का जो नेचुरल है, जैसे वहां का कोल नेचुरल है तो वो क्या दूसरी जगह जाएगा और उस पर्टिकुलर एरिया का इंप्रूवमेंट होगा और डेवलपमेंट होगा और वहां के लोग आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ रोड। फ्रेंड्स जो हमारा टॉप पे आता है वो है हमारा कैरिज वे, देन उसके नीचे आता है हमारा ट्रैफिक लेन, देन उसके नीचे आता है हमारा पेवमेंट, देन शोल्डर, देन वियरिंग कोर्स जिसपे हमारा लोड आएगा, उसके बाद हमारा बेस कोर्स, देन सब बेस कोर्स, और उसके बाद हमारा जो नेचुरल फॉर्मेशन है वो आप सभी को पता है। और एक चीज और फ्रेंड्स, हम जब रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें साइड पे ड्रेन देना बहुत जरूरी है, अगर हम ड्रेन प्रोवाइड नहीं करेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा,
वहां पर पानी भर जाएगा और फिर आपको पता है पानी भर जाएगा तो वो रोड डैमेज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पानी भरने से चाहे वो घर हो, रोड हो या अदर कंस्ट्रक्शन, कोई भी स्ट्रक्चर हो, पानी से डैमेज हो जाता है। अ हाईवे पेमेंट इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सुपर इम्पोज्ड लेयर ऑफ प्रपोज मटेरियल अबव द नेचुरल साइट सबग्रेड हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द अप्लाइड व्हीकल लोड टू द सबग्रेड। फ्रेंड्स, जो हमारा हाईवे में पेमेंट डिजाइन करते हैं वो क्या करता है, जो हमारा सबसे ऊपर का सुपर इम्पोज लेयर होता है, जो भी प्रपोज मटेरियल होता है, तो वो क्या करता है, नेचुरल जो हमारा सॉइल होता है या सबग्रेड होता है वो डायरेक्टली उस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसका जो सबसे मेनली फंक्शन क्या होता है इस काम को करने का, जो हमारा व्हीकल की लोड आ रहा है ना, वो डायरेक्टली क्या, जो हमारा सबग्रेड होता है वहां तक उस लोड को पहुंचाना होता है, जिससे क्या हमारे रोड्स पे क्रैक या कुछ इनिशियली बल्किंग या फॉर्मेशन कुछ डेवलप्स ना हो और हमारे रोड को लॉस ना हो। नॉर्मली आप ये देखते हो ये चीज हो जाती है, कई बार क्या होता है रोड तुरंत बनती है और उसका जो बेस फॉर्मेशन बराबर नहीं बना होता है तो वो रोड बहुत जल्दी खराब हो जाती है, टूट जाती है। वियरिंग कोर्स सरफेस टू रोड, इट इज द टॉप सरफेस ऑफ द रोड, इट डायरेक्टली रिसीव द व्हील लोड। फ्रेंड्स, जो हमारा वियरिंग कोर्स होता है ये हमारा टॉप सरफेस होता है रोड का, जिसमें हमारा जो व्हील होता है ना, जैसे हमारी गाड़ी के पहिए, उसका या गाड़ी का जो भी लोड होता है वो इसी पर जाता है, वियरिंग कोर्स पर। सबग्रेड, इट इज द नेचुरल फाउंडेशन सॉइल अपॉन विच द होल पेमेंट रेस्ट एंड टू विच द व्हीकल लोड्स आर फाइनली ट्रांसमिट। फ्रेंड्स, ये हमारा जो नेचुरल सॉइल होता है ना, उसका फाउंडेशन का टॉप होता है, जिसमें हमारा जो पूरा पेमेंट हम बनाते हैं ना, उसका पूरा लोड डायरेक्टली इस पे आता है और जो हमारा व्हीकल का फाइनली हम इस पे ट्रांसमिट करते हैं सभी लोड को सबग्रेड पे। बेस कोर्स, इट इज द पोर्शन बिटवीन द वियरिंग कोर्स एंड द सबग्रेड। जो हमारा बेस कोर्स होता है, हमारा वियरिंग कोर्स और सबग्रेड कोर्स का बिटवीन का यानी बीच का पोर्शन होता है। राइट ऑफ वे, दिस इज द विड्थ ऑफ द लैंड टू बी एक्वायर्ड ऑफ अ रोड प्रपोजिंग कीपिंग व्यू ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट। फ्रेंड्स, हमारा जो राइट ऑफ वे का मतलब ये होता है, जो हमारा वहां का विड्थ होता है लैंड का, एक्वायर करने के लिए क्या जो पर्पज होता है फ्यूचर के लिए, जो रिक्वायरमेंट है या और हमें आगे कुछ इसको एक्सपांड करना है या कुछ और बढ़ाना है, तो वो हमारा राइट ऑफ वे होता है, जो हम इसके लिए लैंड और एक्वायर करेंगे। कैरिज वे, द सेंट्रल पेव्ड विड्थ ऑफ रोड विच इज यूज फॉर व्हीकलर ट्रैफिक इज कॉल्ड कैरिज वे। फ्रेंड्स, जो हमारा सेंट्रल पेव्ड विड्थ होता है, जिसे हम रोड के लिए यूज करते हैं, वो भी व्हीकलर ट्रैफिक के लिए, जो हमारा व्हीकलर ट्रैफिक है, उसे हम कैरिज वे कहते हैं। शोल्डर विड्थ, इट प्रोवाइड्स लेटरल स्टेबिलिटी टू द रोड एंड एडिशनल स्पेस फॉर व्हीकल वाइल ओवरटेकिंग अदर व्हीकल। फ्रेंड्स, जो हमारा शोल्डर विड्थ होता है, आपने जो हमारा साइड्स में रोड में देखा होगा ना फ्रेंड्स, जो अब हम क्या कहते हैं, जैसे अगर वो सिंगल वे है तो ये बिल्कुल साइड में एजेस पे डला हुआ होता है, और क्या है, जैसे हम किसी एक व्हीकल को आगे ओवरटेक करें, हम उससे आगे जाना चाहते हैं, तो वो व्हीकल अपनी जगह पे रहेगा और हम उसको ऐसे घूम के आगे करेंगे, तो क्या हमारा रोड से गाड़ी नीचे उतर जाएगा और वो क्या हमारे शोल्डर्स पे चला जाएगा, तो हम उसे क्या शोल्डर विड्थ कहते हैं। रोडवे विड्थ, दिस इज द विड्थ ऑफ फॉर्मेशन एट द टॉप, इट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ कैरिज वे एंड विड्थ ऑफ शोल्डर ऑन आइदर साइड। रोडवे विड्थ क्या है फ्रेंड्स, जो हमारा टोटल विड्थ है फॉर्मेशन का, जो टॉप का हमारा रोड का, इसके बराबर होता है, और जो हमारा कैरिज वे होता है और जो साइड्स को आइदर, जो हमारे बोथ साइड्स पर शोल्डर जैसा मैंने आपको बताया, तो उसको मिला के हमारा रोडवे विड्थ बनता है। कैम्बर, द राइज गिवन टू द सेंटर ऑफ कैरिज वे विथ रेफरेंस टू द एज इज कॉल्ड कैम्बर। फ्रेंड्स, जो हम सेंटर पे थोड़ा सा उभार देते हैं, आपने रोड्स को देखा होगा वो हमारा ऐसे होती है नॉर्मली, तो इससे क्या होता है, हम कैम्बर बोलते हैं, और पूरा जो एज को डिफाइन करके पहले सोच लिया जाता है, क्योंकि क्या है हमारे रोड के सेंटर पे पानी ना भरे इसलिए हम कैम्बर देते हैं, तो क्या है पूरा स्लोप पे रहता है और जो हमारा पानी है वो पूरा आइट साइड चला जाता है। रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट, सफिशियंट थिकनेस टू डिस्ट्रीब्यूट द व्हील लोड स्ट्रेस टू अ सेफ वैल्यू ऑन द सबग्रेड सॉइल। फ्रेंड्स, का मतलब है जो हम अपना सॉइल का, रोड का थिकनेस रखेंगे और जो हमारा बेस सबग्रेड ये सब जितनी भी चीज लेयर होगी ना, उसका थिकनेस को इतना सफिशिएंट बनाएं कि जो हमारा वो व्हील का लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सेफ हो और वो डायरेक्टली क्या हो, सबग्रेड सॉइल तक पहुंच जाए। स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग टू विदस्टैंड ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेस इम्पोज्ड अपॉन इट। वो स्ट्रक्चरली यानी अंदर से वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए जिसमें क्या है ऑल टाइप्स ऑफ सभी प्रकार के स्ट्रेस या और दूसरे लोड जो लग रहे हैं वो उसे सह सके। एडुकेट कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन टू प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स। फ्रेंड्स, उसमें जो हमारा फ्रिक्शन होगा, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन,
वो ऐसा होना चाहिए जो हमारा व्हीकल स्किड ना करे या फिसले ना, जिससे जो हम लोग हैं गिरे ना। आप देखते हो कई बार क्या है, रोड्स पर लोग फिसल कर गिर जाते हैं, तो हमें उस चीज से बचाने के लिए कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन सही देना पड़ेगा। स्मूथ सरफेस टू प्रोवाइड कंफर्ट टू रोड यूजर इवन एट हाई स्पीड। जो हमारा रोड का है कंफर्ट, वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, जिससे क्या है हमारा जो यूजर है वो हाई स्पीड पे भी, जब हम ज्यादा स्पीड पे भी चलाएं अपने व्हीकल को या गाड़ी को, तो हमें आराम से वो स्मूथ चले। ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे हो, तो उससे तो फिर मजा नहीं आएगा ना फ्रेंड्स। प्रोड्यूस लीस्ट नॉइस फ्रॉम मूविंग व्हीकल। जो हमारा पेमेंट है उससे क्या है, बहुत कम ऐसा वो डिजाइन हो कि उससे जब हम व्हीकल उस पर मूव करें वो नॉइज ना हो, जिससे हमारा व्हीकल बहुत इजिली मूव हो जाए। डस्ट प्रूफ सर्फेस टू दैट ट्रैफिक सेफ्टी इज नॉट इम्पेयर्ड बाय रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। फ्रेंड्स वहां पे जो रोड है सेफ्टी के तौर पे वो डस्ट प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो क्या है सेफ्टी फैक्टर होगा, डस्ट होंगे तो क्या होगा, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं और क्या होगा, हमें सामने का कुछ नहीं दिखेगा या कुछ, तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। हमें विजिबिलिटी सामने की, जो हमें सामने दिख रहा है वो इजिली दिखे, ऐसा हमें रोड बनाना, नहीं तो वो क्या है कई बार लोग बहुत एकदम घुमावदार सड़क बनाते हैं, तो क्या होता है हमें सामने से जो गाड़ी आ रही है वो हमें दिखती ही नहीं है, तो फिर क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है। इम्प्रीवियस सरफेस सो दैट द सबग्रेड सॉइल इज वेल प्रोटेक्टेड। जो हमारा सरफेस होगा वो इम्प्रीवियस होगा, जिसके थ्रू जो हमारा सबग्रेड सॉइल है वो पहले से वेल कॉम्पैक्टेड, यानी जब हमने अपना सबसे पहले सॉइल लिया ना उसको पहले बिल्कुल उस पर रोलर चला के उसे पहले से ही वेल कॉम्पैक्ट कर लेंगे, जिसके थ्रू वो और ज्यादा सेटल ना हो, फिर हम सबग्रेड ये सब चीजें डालेंगे। लॉन्ग डिजाइन लाइफ विथ लो मेंटेनेंस कॉस्ट। फ्रेंड्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रोड या पेमेंट हम बना रहे हैं वो क्या हो, लॉन्ग लाइफ डिजाइन हो और उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट हो कम हो, नहीं तो क्या है वो जल्दी से आप खराब बना दोगे तो वो दोबारा फिर से टूट जाएगा और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिपेयर करना पड़ेगा, तो ये हमारे लिए और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो हमें इस फैक्टर को भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैरिज वे। कैरिज वे के टाइप पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देन बेस्ड ऑन पेमेंट सर्फेसिंग, जो हमें पेमेंट का सर्फेसिंग कैसा है उस पर भी हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बेस्ड ऑन लोकेशन एंड फंक्शन, ये हमारे लोकेशन पे भी, कौन सी जगह पे भी हम रोड को बना रहे हैं और उस रोड का फंक्शन क्या है, वो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। देन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस, हम किस तरह का रोड बना रहे हैं, स्ट्रक्चरल रोड बना रहे हैं तो जैसे RCC रोड हो गया, बिटुमेन रोड हो गया, तो ये वहां के स्ट्रक्चर और वहां का सॉइल पर भी डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन द ट्रैफिक वॉल्यूम इन दैट रोड, फ्रेंड्स वहां पे हमें ये भी देखना है कि वहां किस तरह का ट्रैफिक आ रहा है और कितना ट्रैफिक आ रहा है, तब भी हम उस पर डिसाइड करके रोड को क्लासिफाई करते हैं। देन बेस्ड लोड ट्रांसपोर्ट थ्रू दैट रोड, जो हमारा यहाँ पे व्हीकल आ रहा है फ्रेंड्स, तो उस पर किस तरह का लोड आ रहा है। नॉर्मली जैसे हम मटेरियल का कोई भी व्हीकल्स जाता है उसमें क्या होता है, हैवी लोडेड होता है ट्रक्स, तो क्या है हमें उस हिसाब से भी अपनी रोड को डिजाइन करना पड़ेगा कि वो उतना ज्यादा लोड को रेजिस्ट कर सके और वो खराब ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैरिज वे, पेव्ड रोड एंड अनपेव्ड रोड। फ्रेंड्स जैसा कि आप डायग्राम पर देख रहे हैं, जो हमारा पेव्ड रोड है वो कैसा बना है, हमारा बिटुमिन का, और वो कितना सही बना है, और जो हमारा अनपेव्ड रोड है तो ये आपको क्या है WBM की तरह दिख रहा है, और यहाँ पे क्या है नॉर्मली जो हमारा मुरम होता है जिसे आप कह सकते हो उसकी तरह बना हुआ है, तो इसमें क्या है हमारा व्हीकल तो मूवमेंट हो जा रहा है मगर ये हमारे लिए अनसेफ है। समझ गए फ्रेंड्स इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अब आपको डायग्राम दिख रहा है तो आप इजिली इसे कंपेयर कर पा रहे होंगे। बेस्ड ऑन पेमेंट सर्फेसिंग, सर्फेस रोड, अ रोड विद अ हार्ड स्मूथ सर्फेस ऑफ बिटुमन और तार। फ्रेंड्स जो हमारा सरफेस रोड्स होता है उसका जो टॉप होता है ना वो कैसा होता है, हार्ड और स्मूथ होता है, वो भी किसका, बिटुमिन और तार का। अनसरफेस रोड, फ्रेंड्स जैसा कि आप डायग्राम पे देख रहे हो ये कैसा है आपको दिख ही रहा है, अ रोड विदाउट अ हार्ड स्मूथ सरफेस ऑफ बिटुमिन और तार। ये रोड तो बन गया है फ्रेंड्स मगर ये कैसा है, इसका जो टॉप सरफेस है वो हार्ड नहीं है, तो जिसके थ्रू क्या कोई भी व्हीकल जो वहां से मूवमेंट करेगा तो उसमें क्या है गड्ढा या डंप पड़ जा रहा है, तो ये क्या अनसरफेस रोड है। बेस्ड ऑन फंक्शन, एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे कनेक्टिंग स्टेट कैपिटल, इंडस्ट्रियल सेंटर, एयरफोर्स फॉरिजन हाईवे एंड कैपिटल, एक्सप्रेस हाईवे। फ्रेंड्स ये जो हमारा बेस्ड ऑन फंक्शन होता है, मैं आपको नॉर्मली इस पे एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि जो हमारे नेशनल हाईवे होते हैं वो स्टेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बाद वहां का कोई भी इंडस्ट्री होता है या कोई भी हमारा वहां का
काम करना या उद्योग और वहां का एयरफोर्स फोरिजन और वहां का हाईवे को ये कैसे एक्सप्रेस हाईवे या नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है। आप एग्जांपल पे देखिए, जो हमारा NH-47 है वो क्या है, सलीम टू कोची को कनेक्ट करता है, NH-1 दिल्ली टू अंबाला एंड अंबाला टू अमृतसर कनेक्ट करता है, और NH-3 हमारा बॉम्बे आगरा रूट को कनेक्ट करता है। स्टेट हाईवे कनेक्टिंग द स्टेट कैपिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड मेजर सिटी ऑफ द स्टेट मेंटेन बाय द PW, एग्जाम्पल मेन सेंट्रल रोड MC अंगमली टू त्रिवंतपुरम। फ्रेंड्स, जो हमारा स्टेट हाईवे वो क्या करता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर अलग अलग सिटीज को मेंटेन करता है, और ये हमें कौन मेंटेन करके देता है, जो स्टेट का PWD होता है। और इसे एग्जांपल के या उदाहरण के लिए हम कह लें तो जो हमारा अंगमली टू त्रिवंतपुरम का है मेन सेंट्रल रोड, ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट एरियाज ऑफ प्रोडक्शन मार्केट और टू अ नेशनल एंड स्टेट हाईवे एक्ट एज अ फीडर रोड। फ्रेंड्स, जो हमारा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है वो क्या करती है, बहुत सारे ऐसे घरेलू काम या प्रोडक्शन मार्केट जहां पे यानी प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीजों का, तो उनको कनेक्ट करता है किससे, हमारा नेशनल हाईवे से और स्टेट हाईवे से। तो ये क्या है, इससे एक प्रकार से फीडर बन जाता है, फीडर बोले तो एक जरूरत बन जाता है, जिससे ये क्या है एक जगह से सामान दूसरी जगह पे लाने में बहुत सहायक होता है। ये क्या है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे आता है। देन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, आफ्टर दैट विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड। ये तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि अब डिस्ट्रिक्ट क्या है और विलेज क्या है। विलेज तो आपको अभी आप खुद भी जानते हो, आपके हर जगह पे गांव या होगा, और आप लोग कैसे वहां से सामान लाते हो और यहां से लेके जाते हो। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबल पेमेंट व्हील लोड्स आर ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट ऑफ द एग्रीगेट थ्रू द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, इसका मतलब है जो हमारा व्हील का लोड है, यानी जो हमारे चक्के होते हैं गाड़ी का, वो क्या है, उसका लोड जो है ग्रेन टू ग्रेन यानी लेयर बाय लेयर क्या होगा, कॉन्टेक्ट पे जो हमारा एग्रीगेट आएगा, ग्रेनुलर पे आएगा, उस पर वो ट्रांसफर होगा। देन द फ्लेक्सिबल पेमेंट हैविंग लेग्स फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ एक्ट लाइक एज अ फ्लेक्सिबल शीट। जो हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसका जो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होता है वो लेस होता है हमारे फ्लेक्सिबल शीट के थ्रू। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो बिटुमेन रोड, वहां आपको ये चीज देखने मिलेगा। देन रिजिड पेमेंट व्हील लोड आर ट्रांसफर टू सबग्रेड सॉइल बाय फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ द पेमेंट एंड द पेमेंट एक्ट लाइक एज अ रिजिड प्लेट। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा व्हील का लोड है वो डायरेक्टली किस पे जाएगा, हमारा सबग्रेड ऑफ सॉइल पे आएगा, और वो क्या है, एक रिजिड यानी बॉटम एक प्लेट की तरह काम करेगा। एग्जांपल आप जो हमारा RCC का या सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड बनता है ना, आप इसका एग्जांपल वहां देख सकते हो या उसे समझ सकते हो कि वो हमारे लिए रिजिड पेमेंट है और फ्लेक्सिबल पेमेंट हमारे लिए बिटुमेन रोड है। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम हैवी मीडियम एंड लाइट ट्रैफिक रोड। फ्रेंड्स, हमारा जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो कैसा है, हैवी है, मीडियम है, उसके बाद वहां पे क्या है, लाइट ट्रैफिक आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, रोड के थ्रू आ रहा है, वो भी हमें देखना है। देन दीज टर्म्स आर रिलेटिवली एंड सो द लिमिट्स अंडर ईच क्लास मे बी एक्सप्रेस एज व्हीकल्स पर डे। फ्रेंड्स, ये एक दूसरे से बहुत कोरिलेट है, आप समझिए कि जैसे मान लीजिए एक रोड है जिसपे डेली क्या है 100 व्हीकल जा रहे हैं, तो हमें जो रोड वहां पे डिजाइन करनी है, बनानी है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पर डे जो व्हीकल लोड है एक्सप्रेस का वो कितना है, 100 है, तो हम इससे और थोड़ा ज्यादा का बनाएंगे रोड पे, क्योंकि हमें उसकी बेयरिंग कैपेसिटी या लोड रेजिस्ट कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। लोड ट्रांसपोर्टेड क्लास ए क्लास टू एक्सेट्रा और क्लास ए क्लास बी एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, जो हमारा लोड ट्रांसपोर्टेड है उसे अलग अलग कैटेगरी पे बांटा हुआ है कि हमारा क्लास वन पे इतना लोड होगा, क्लास टू पे इतना होगा, और क्लास ए क्लास बी पे इतना होगा। जैसा कि आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो हमारे ट्रक्स होते हैं जिसपे हम मटेरियल सप्लाई करते हैं या रीइंफोर्समेंट के रॉड सप्लाई करते हैं या अदर दूसरा कोई भी या हैवी लोड, तो उनपे एक पर्टिकुलर लोड की कैपेसिटी होती है कि आप इतना ही लोड लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा लेके जाते हैं तो उन्हें फाइन लगता है। द लिमिट मे बी एक्सप्रेस एज पर टन्स पर डे। जो हमारा लोड की लिमिट होती है वो टन्स पर प्रोवाइड की जाती है कि आप पर डे इतना टन इसके थ्रू यहां से लेके जा सकते हो। विड्थ ऑफ कैरिज वे सिंगल लाइन 3.75, टू लेन विदाउट कर्व 7 मीटर, टू लेन विद कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरिज वे 5.5 मीटर, मल्टीपल लेन पेमेंट 3.5 मीटर। फ्रेंड्स, ये जो हमारा कैरिज वे यानी जो हमारे ये रोड है उसकी चौड़ाई
हर लेन की कैसी होनी चाहिए और वो कर्व के साथ, यानी जो एंड पे कर्व्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उसके साथ सिंगल पे कितनी होनी चाहिए, डबल पे कितनी होनी चाहिए और इंटरमीडिएट पे कितनी होनी चाहिए जो हमारा कैरिज वे, ये वो दिखा रहा है आपको। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा सिंगल लाइन पे कितनी है, टू लाइन पे कितनी है और वो कर्व्स के साथ कितनी है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड नॉमिनेशन है अपना जो कैरिज वे का सभी लाइन्स के लिए। रोड्स एलिमेंट सुपर एलिवेशन, कैम्बर और क्रॉस स्लोप, फ्रेंड्स ये हमारे रोड्स के एलिमेंट हैं जिसे हम नॉर्मली हर रोड पर यूज करते हैं। अगर हम ये रोड पर ना प्रोवाइड करें तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन आ सकता है और बहुत इश्यू आ सकते हैं। सुपर एलिवेशन, आउटर एज ऑफ अ रोड इज रेज्ड कीपिंग इनर एज एट द सेम लेवल इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रेंड्स आपने जब देखा होगा कि जब हम रोड पर शार्प टर्न देते हैं तो वहां पे क्या है, जो हमारा आउटर एज होता है वो क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है और जो इनर एज होता है वो सेम लेवल पे होता है, जिसके थ्रू हम फिसले ना या गिर ना जाएं। ठीक है, वो हमारा क्या कॉन्ट्रेक्चुअल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू। आप इस चीज को हमारा नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे कि वो कैसे होता है। कैम्बर, ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड टू ड्रेन ऑफ वाटर प्रॉपरली। फ्रेंड्स कैम्बर हम इसलिए देते हैं जो हमारा रोड का पानी है ना वो स्लोप के थ्रू साइड पर ड्रेन पर चला जाए और रोड पर ना रुके। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी रोड पे कोई भी डैमेज या कुछ नहीं होगा। देन वाटर कॉजेस स्किडिंग और स्लिपेज। अगर ये नहीं बनाएंगे हम कैम्बर तो क्या होगा, वाटर के थ्रू हम स्पीड पर आएंगे और क्या होगा, हम या तो फिसल के गिर सकते हैं या स्किड हो सकते हैं। नॉर्मली हम कैम्बर कैसा देते हैं ये आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, आपको इजीली पता लग जाएगा कि कैम्बर क्यों दिया जाता है और वो कैसा होता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे। फ्रेंड्स जैसा कि आप डायग्राम पर देख रहे हैं, जो हमारा रोडवे का विड्थ होता है वो कितना होता है, 12.5 मीटर का होता है और जो हमारा कैरिज वे का विड्थ होता है वो 7.5 मीटर का होता है और जो हमारा साइड्स पे होता है वो शोल्डर्स प्रोवाइड होते हैं और जो हमारा रोड का सेंटर पे टॉप पे जो आपको दिख रहा है वो हमारा कैम्बर है जिसके थ्रू उस पर पानी ना भरे। तो हम जो नेशनल हाईवे बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं फ्रेंड्स, जिससे हर तरीके के जहां भी अलग अलग नेशनल्स हैं वहां पर इसे ही यूज किया जाता है, उसका क्रॉस सेक्शन बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। तो आप कहीं भी जब रोड पे ट्रेवल करेंगे ना तो आप इसे इजीली देख पाएंगे। बस थोड़ा सा ये होता है कि अपने इंडिया में जो काम करते हैं ना, ड्रेन्स प्रोवाइड नहीं करते और ड्रेन्स नहीं प्रोवाइड होने से क्या होता है, वहां पर पानी भर जाता है और रोड डैमेज होता है, जिसके कारण अपन सभी को प्रॉब्लम होती है। अगर गवर्नमेंट अगर यहां तक ये वीडियो मेरा देख रही होगी तो शायद मैं उनसे यही कहूंगा कि भाई प्लीज ड्रेन जरूर बनाइए, और जो हमारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं अगर ड्रेन बना देंगे तो वो जो रोड पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या काम कर रहे हैं ना तो बहुत हेल्पफुल होगा और वो लॉन्ग लाइफ चलेगा। क्योंकि अगर हमने पानी निकलने का साधन बनाया हुआ है रोड पे तो ये बहुत लॉन्ग लाइफ होता है, क्योंकि अगर पानी नहीं भरेगा तो रोड खराब नहीं होगा, चाहे वो RCC का रोड हो या हमारा बिटुमिन का रोड हो। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन पे जाके बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।